सिलीगुड़ी में गृहिणी सावित्री की रहस्यमय मौत की घटना को लेकर बीते कल 46 नंबर वार्ड अंतर्गत चंपासरी इलाके में शाम से लेकर रात तक व्यापक तनाव का माहौल देखा गया। पोस्टमार्टम होने के बाद जैसे ही शाम को सावित्री का शव अंतिम दर्शन के लिए उसके ससुराल पहुंचा, मायके वालों ने शव को घर के सामने रख कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने घर में जमकर तोड़फोड़ भी की। इधर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद भी स्थिति बेकाबू हो गई थी। दरअसल सावित्री के ससुराल में तोड़फोड़ करने के बाद लोगों ने चंपासरी में रास्ता बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ हालत बेकाबू होता देख प्रधान नगर थाने के आईसी अनिर्बान भट्टाचार्य, एसीपी आशीष पी सुब्बा, रेत के जवान के साथ मौके पर पहुंचे। वह स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। इसके बाद एसीपी और आईसी ने मृतिका के ससुराल पहुंचकर मायके वालों को समझाया, जिसके बाद किरण चंद्र शमशान घाट में देर रात मायके वालों ने अपनी बेटी सावित्री का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि सावित्री की मौत मामले में पुलिस ने पति सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पति विजय कुमार एवं उसकी 2 बहन, 2 भगनी और 1 भगना शामिल है। सभी आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश करने के बाद न्यायाधीश ने विजय कुमार को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर रखने का निर्देश दिया है। वहीं बाकी के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है।